ऑप्शन है हमारे पास ए एंड बी, ए रिएक्ट विथ बी एंड प्रोड्यूस ए बी टू, क्या प्रोड्यूस कर रहा है ए बी टू। सेकेंड वन है ए रिएक्ट विथ बी एंड प्रोड्यूस ए बी फोर, यहाँ पे कितने बी लिए टू, यहाँ पे कितने बी लिए फोर, क्लियर है। अभी हमें ए और बी का मॉलिक्यूल एटॉमिक मास बताना है, क्या बताना है हम लोगों को, डाटा गिवन है कि 20 ग्राम बेंजीन में हम लोगों ने क्या किया है, ये दोनों फॉर्मूलास को ऐड किया है, ये दोनों क्या है सॉल्यूट, क्या है सॉल्वेंट, हमारे पास क्या है बेंजीन, क्या है बेंजीन का वेट हमें गिवन है 20 ग्राम, कितना है तो सॉल्वेंट हमारे पास है, चलो 20 ग्राम, 1 ग्राम एबी टू, एबी टू का वेट कितना है 1 ग्राम, चलो इस सॉल्यूशन के लिए, कौन से सॉल्यूशन के लिए, बेंजीन के अंदर एबी टू के लिए हमें जो डेल्टा टीएफ दिया है वो दिया है 2.3 केल्विन, कितना टीएफ दिया है डेल्टा टीएफ, ओके तुम लोग देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, ओके चलो अभी फिर से हमने क्या किया 1 ग्राम एबी फोर लिया, क्या लिया उसके लिए तुम लोग को डेल्टा टीएफ दिया है 1.3 केल्विन, चलो तुम लोगों को केएफ दे दिया है, देखो सॉल्वेंट सेम है तो दोनों के लिए केएफ सेम हो गया, अलग अलग क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, क्लियर है, तो केएफ वैल्यू कितनी है 5.1, ओके ए एंड बी की हमें क्या करनी है कैलकुलेशन करनी है। मास हम लोग कैसे का, देखो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू डब्ल्यू टू, यहाँ पे डब्ल्यू वन, डब्ल्यू वन क्या हमारा सॉल्यूट, डब्ल्यू टू क्या आता है सॉल्वेंट, चलो के एफ कितना है, चलो क्या बच्चे हाँ सॉरी, चलो डेल्टा टी एफ कितना दिया है ए बी टू के लिए, ए बी टू का डाटा ए है, चलो के एफ कितना दिया है के एफ बचे 5.1 है ना, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, इंटू डब्ल्यू वन कितना है 1 ग्राम है ना ए बी टू का, चलो इंटू 1000 अपॉन एम वन कितना है, तो एम वन तो फाइंड करना है ना, मास तो निकालना है ए बी टू का, चलो एम वन इंटू डब्ल्यू टू कितना है बच्चे 20 ग्राम है ना सॉल्वेंट, चलो तो यहाँ पर पहले M1 फाइंड आउट करते हैं डेल्टा टी एफ कितना है 2.3, चलो यहाँ पे M1 इज इक्वल टू इस साइड जाएगा, M1 इज इक्वल टू 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन 2.3 इंटू 20, कितना आएगा M1, M1 क्या है मास ऑफ ए बी टू, बोलो कितना आएगा मास, कितना 0.1110 पक्का ना भाई, कैलकुलेटर नहीं है, थोड़ा फास्ट करो, वैसे मैं बिना कैलकुलेटर करूं लेकिन फिर उसके अंदर हमें ये चैप्टर जल्दी ओवर करना है, चलो बोलो कितना है, यहाँ पर ध्यान दो मास मिल गया, अभी मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अगर मैं सोडियम कार्बोनेट का मास निकाल रहा हूं तो 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन तीनों को इनटू करके ऐड कर दूंगा, क्लियर है, सेम ऐसे ही हम लोग इसका मास निकालते हैं, एम ए बी इज इक्वल टू ए प्लस 2b है, चलो यहाँ पर देख लो मास कितना है 1108 है ना, चलो ए हमारे पास है नहीं, 2b हमारे पास है नहीं, ये इक्वेशन नंबर 1, दूसरा फॉर्मूला हमारा कौन सा है ab4, तो मैं यहाँ पर ab4 के लिए निकालू तो ab4 का तो मुझे मास पता नहीं है, लेकिन ab4 क्या होता है a प्लस 4b, क्या होगा ये, क्या होगा मास ऑफ AB4 है ना, मास ऑफ AB4, क्लियर है, पहले इक्वेशन में हम लोग A को सब्जेक्ट लेके A इज इक्वल टू 110.8 माइनस 2b कर सकते हैं,
कर सकते हैं ना भाई, क्लियर है यहां तक? चलो ए की वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट आउट कर दूं, तो क्या होगा, एम ए बी फोर इज इक्वल टू ए कितना है, 90. ए हमारे पास है ना, ए 1.0 8 माइनस 2b प्लस 4b क्या आएगा, एम ए बी फोर इज इक्वल टू 110.8 माइनस प्लस माइनस क्या होगा, प्लस 2b. अभी भी हमारे पास दो डाटा मिसिंग है, एम ए बी फोर मिसिंग है, तो एम ए बी फोर यहाँ से मिलेगा, वैल्यू पुट आउट करता हूँ, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ कितना है 1.3 इंटू w1 कितना है 1 ग्राम, के एफ कितना है 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन मास हमारे पास है नहीं, एम ए बी फोर इंटू क्या आएगा 20. ये डाटा कैसे पुट आउट किया पता चल रहा है, हमारे पास ए बी फोर था कितना 1 ग्राम है, ओके के एफ कितना था 1.5, फॉर्मूला देखो के एफ कितना 1.5, डब्ल्यू वन कितना 1000, यहाँ पे एम हमारे पास है नहीं, डब्ल्यू टू कितना है बच्चे 20 है ना. चलो यहाँ पे एम एम ए फोर को क्या, एम ए बी फोर को हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन 1.3 इंटू 20, चलो कितना आएगा 115 ग्राम होगा बच्चे. चलो इसका मास मिला, इस इक्वेशन में पुट आउट कर दूं, करूँ कि नहीं, चलो यहाँ पर कितना है भाई इस इक्वेशन में मास, बोर्ड बड़ा छोटा पड़ता है, 196.15 इज इक्वल टू 110.8 प्लस 2b, इसको इज इक्वल टू के इस साइड जान दिया, 96.15 माइनस 110.8 इज इक्वल टू 2b, कितना आएगा माइनस, कितना आएगा 86. या फिर 85, ओके 85.35 इज इक्वल टू 2b, बी कितना आएगा 85.35 अपॉन 2, चलो बी कितना आएगा बोलो 42.6. ये क्या आ गया भाई बी का वेट, यहाँ पर मैं बी की वैल्यू रख दूँ 110.85, 2b कितना था, 2b कितना था 85.35 इज इक्वल टू बोलो कितना आएगा, कितना 16.68 आएगा भाई, जिन लोगों ऊपर से गया बोलो, देखो मेरे पास माइक नहीं है तो थोड़ा अंदर अंदर गनगन बंद करो, ओके तो उससे क्या होगा कि मेरी बातें तुम लोगों को पहुंच है, क्योंकि चिल्लाना पड़ता है फिर जोर से, क्लियर है, और चिल्लाने से जल्दी थकावट होती है, ओके तो देखो चीज साइज छोटी है, मुझे लास्ट तक दिखाना भी है बच्चों को, क्लियर हो रहा है, तो ये तो थोड़ा रहेगा कि वे थोड़ा ऐसा जा रहा है, क्योंकि एक वे पकड़ा नहीं जा रहा कहाँ से, बाकी मैंने स्टार्ट ऐसे किया था, मुझे लगा हो जाएगा यहाँ तक, चीज़ें नीचे गई. यहाँ पर ध्यान दे दो, पहले दोनों के मास हमें फाइंड आउट करने हैं, कैसे करोगे, पहले हम लोगों के पास दोनों के डाटा है, डाटा से हमने पहले इस कंडीशन के लिए, कौन सी कंडीशन के लिए, ए बी टू के लिए, किसके लिए, ये पूरा किसके लिए भाई, ए बी टू के लिए मैंने फाइंड आउट किया, डेल्टा टी एफ कितना था 2.3 इज इक्वल टू के एफ कितना था 5.1 इंटू डब्ल्यू वन कितना था 1 इंटू 1000, एम वन मेरे पास था नहीं, एम वन ही क्या है ए बी टू, और यहाँ पे क्या हो गया 20, इसको सब्जेक्ट बना दूंगा, वैल्यू पुट आउट करके आंसर आएगा. सेम हम लोग दूसरा केस यहाँ पर करेंगे, किसके लिए, डाटा नंबर 2 के लिए, चलो ये डाटा सेकेंड, चलो के एफ कित डेल्टा टी एफ कितना है 1.3 इज इक्वल टू 5.1 क्या है के एफ इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन एम ए बी फोर कितना है वो फाइंड आउट करना है इंटू 20, इसको इज इक्वल टू इस साइड भेजू, आंसर आएगा, आएगा कि नहीं भाई, क्लियर हो रहा है, ओके दोनों के आंसर मिल गए, दोनों के इक्वेशन हम लोग बनाए, तो ए बी टू का ए प्लस 2b, ओके वैल्यू पुट आउट करूँ, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिली, ओके दूसरा यहाँ पर आगे आएगा भाई चीजें, ये जो लास्ट वाला स्टेप किया ना, वो क्वाड्रेटल इक्वेशन करके एक चैप्टर आता था 10th में, पढ़े हो,
तीन टाइप के मेथड आती थी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और तो उसका पार्ट ऐसा है क्या? मैंने टेंथ पढ़ाया नहीं, मैं तो अपने हिसाब से अंदाजा मारा हूँ। थर्ड या फोर्थ नंबर का कुछ ऐसा चैप्टर है, वो तो खाली टेक्स्ट बुक देखी है मैंने।